आयुर्वेदिक गौमूत्र संस्थान द्वारा दिल्ली के अशोक विहार में एक क्लिनिक का शुभारंभ किया गया, जिसमें सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने क्लिनिक के लिए संस्थान को जगह उपलब्ध कराई ताकि दिल्ली के लोगों को समय रहते उचित उपचार की सुविधा मिल सके। पंच कवरेज जो आपने ये डिस्पेंसरी यहाँ पर खोली, काफी लोग भी आ रहे हैं, देखा डॉक्टर साहब ने भी कहा बाहर से लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मोटिव क्या था ये सब खोलने का आपका? देखिए, मोटिव इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि जो इलाज एलोपैथिक की दवाइयों से इन अंग्रेजी डॉक्टरों से नहीं हो सकता, वो मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा और दुनिया भर के लोगों के जीवन के अंदर मैं देखता हूँ। इलाज उसका है नहीं, कुछ भी चिकित्सा उसकी हो ही नहीं रही है, उसके बावजूद भी ये एलोपैथिक इंग्लिश डॉक्टर उसको दवाइयों पर दवाइयां दवाइयों पर दवाइयां देके एक ऐसा बाजार बना दिया कि जन्म से लेकर मरण तक सिवाय दवाइयों के और कुछ है ही नहीं। जो भी आपने कमाया वो डॉक्टरों को देके फिर मरो। तो ये जो विकल्प के नाम से हमने दिमाग लगाया कि भाई चिंतन किया कि इसका क्या हो सकता है, और सौभाग्य से हमारे भी डॉक्टर साहब मेरे को मिले और इन्होंने स्वीकार भी किया। तो ये जो देसी गाय की बात है, ये जो जितनी दुनिया भर की गाय घूम रही है उसकी बात नहीं है, देसी गायों के गव्य से ही आपको ये औषधियां बन सकती हैं और उससे आपका ये चिकित्सा हो सकती है। तो हमने इसका विकल्प बनाया कि भाई अंग्रेजी जो दवाइयां है उन दवाइयों का विकल्प बनाया हमने, और विकल्प के नाम से ही पंचगव्य के ऊपर आधारित आयुर्वेदिक औषधालय बनाया। तो ये जो देसी गाय है, देसी गाय भी आज के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारी आबादी थी लगभग 35-40 करोड़ के करीब, और देसी गायों की संख्या थी 150 करोड़। और आज क्या हालत है, आज हमारी जनसंख्या तो हो गई 150 करोड़ और देसी गाय मात्र 10 या 15 करोड़ है। अब उनका यदि आप संवर्धन संरक्षण नहीं करोगे तो देसी गाय तो देखने को भी नहीं मिलेंगी। और मेरे को डॉक्टर साहब ने एक और जानकारी दी कि यहाँ से भारतवर्ष से ब्राजील देश के अंदर एक देसी गाय शुरू में कभी गई होगी यहाँ से, और वहां से आज के दिन ब्राजील के अंदर इतनी अनगिनत देसी गाय है, और उसी गाय देसी गाय के ऊपर ही आधारित उनकी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, और हम लोग उसको भूल ही गए एकदम से। अरे देसी गाय के ऊपर, देसी गाय ही जीवन है, देसी गाय के अलावा कोई जीवन है ही नहीं, इसीलिए हम इसको माता बोलते हैं। तो साहब काफी समय से आप भी कई रोगों से ग्रस्त हुए हैं, तो क्या आप काफी समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका फायदा हुआ इन दवाइयों से आपको? बिल्कुल 100% से भी अधिक फायदा हुआ, और अभी इन्हीं दिनों के अंदर मैं स्वयं को, मेरे को पिछले 2-3 महीने के अंदर कुछ एक यूरिन के अंदर प्रोटीन जाने लगा, टेस्ट करवाया तो पता लगा जी कि किडनी के अंदर कोई क्रिएटिनिन प्रोटीन रेशियो जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टरों के पास में मैं गया, उन्होंने सबने मेरे को वाईएफसी के लिए बोल दिया, और सबने कहा जी कि आपको ये इंग्लिश दवाइयां खाइए, लेकिन मेरे मन में विश्वास था कि भाई मैं ये दवाइयों को मैं छोड़ना चाहता था। डॉक्टर साहब से बात करने के बाद में इन्होंने मेरे को जो भी कुछ दवाइयां दी और काढ़े वाढ़े दिए जो मैं अभी तक भी ले रहा हूँ, और अब जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ वो पहले से बहुत अच्छा टेस्ट का परिणाम आ रहा है। इस मौके पर आयुर्वेदिक डॉक्टर वीके भारद्वाज और निशा भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि किस प्रकार हर इलाज का उपचार आयुर्वेदिक प्रणाली से संभव है। डॉक्टर साहब जो साहब ने बोला भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, ये इन दवाइयों से पूरा इलाज होता है, तो चौबीस साहब आपको यहाँ लेके आए हैं, आप लोग इलाज कर रहे हो, चौबीस साहब का इलाज किया उसको भी फायदा मिला, कोरोना काल में भी आपने कोई ऐसी दवाइयां दी चौबीस साहब को, इसमें लोगों को काफी फायदा मिला। तो डॉक्टर साहब वाक्य में नेचुरोपैथिक जो इलाज है वो सक्षम है एलोपैथिक या दूसरी दवाइयों से, अंग्रेजी दवाइयों की बात की जाए? जय गो माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गोमी सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर वीके भारद्वाज। हमारा संस्थान कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है, हम विशेष कैंसर की चिकित्सा और सभी असाध्य रोगों की चिकित्सा करते हैं, और हमारे पास वही पेशेंट आते हैं जो बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल में बोल दिया जाता है कि घर पे ले जाओ सेवा करो, इवन फोर्थ स्टेज कैंसर तक, और वो हमारी मेडिसिन से, वो हमारी जो पंचगव्य थेरेपी से आज पूर्ण रूप से ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर के बोलने के बाद में भी दो दो तीन तीन साल फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट भी जीवित है, और बिना पेनलेस किसी भी तरह का दर्द रहित चिकित्सा से वो अपना जीवन 3-4 साल निकाल पाता है फोर्थ स्टेज कैंसर के बाद, डॉक्टर के ना करने के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत ही शांतिजनक है और अच्छी बात है कि हमारी औषधियों से इतना फायदा हो रहा है। और पंचगव्य जो देशी गौ माता है, देशी गौ माता के जो दूध
दही, छाछ, घृत, इनसे जो मेडिसिन बनती है उनको पंचगव्य मेडिसिन कहा गया है। इन मेडिसिन के अंदर किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल्स नहीं होता है, 100% शुद्ध है और ये शरीर के लिए लाभकारी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सभी असाध्य रोगों में पंचगव्य चिकित्सा संभव है। आज पंचगव्य का विज्ञान इतना सक्षम है कि जहां एलोपैथिक के अंदर जिन रोगों का ट्रीटमेंट नहीं है उनका ट्रीटमेंट पंचगव्य से संभव है। आज जो हमारा सिस्टम है, अगर दिल्ली की बात करें, पोल्यूशन बहुत है, खाना पीना खराब है और पार्क भी नहीं है, गौ माता भी नहीं है, सिस्टम ओवरऑल कहें तो पूरा बेकार है। तो पहले आप 100-150 साल आदमी जीता था, स्वस्थ जीता था, आजकल पैदा होते ही बच्चा बीमार हो जाता है। तो लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे दिल्ली की अगर बात की जाए? देखिए पहले क्या होता था कि बच्चा पैदा का होता था, अगर हम पहले की बात करें, आप अपनी नानी से, दादी से या उनसे, बुजुर्ग तो घर रहे ही नहीं है, लास्ट स्टेज नानी दादी ही रही है, उनसे अगर आप पूछेंगे ना कि आप आपका जन्म कहाँ हुआ, कहेंगे बार तो जन्म घर में ही हुआ, प्रसव कहाँ हुआ, घर में ही हुआ। अपनी माताओं से पूछो तो भी कहते हैं हम तो घर में ही हो गए थे। आजकल तो बच्चे ही हॉस्पिटल में होते हैं, होते ही टीका लगा दिया, बच्चे होते ही बीमार हो गए, क्यों हुए, उनका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा वीक कर दिया है, हिम्मत ही नहीं है, ज़रा सा सर्दी जुकाम खांसी में वो कमज़ोर हो गए। खाने के अंदर हर तरह का प्रिजर्वेटिव डाल दिया, आज खेती बाड़ी को देख लो, किसी भी तरह से देख लो, हर जगह प्रिजर्वेटिव का इतना जहर भर दिया है, हर तरह से केमिकल्स का कुछ ना कुछ ऐसा आ ही रहा है शरीर में कि शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया है। देखो हम हर चीज़ को शुद्ध नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि आज हर इंसान खेती बाड़ी तो नहीं कर सकता, क्योंकि सबका अपना अपना व्यवसाय है और हर चीज़ को शुद्ध भी नहीं ले सकते हम। देखो गाय तो बची नहीं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमें मिल रहे हैं वही लेने पड़ रहे हैं। अब इतना जहर जब जा ही रहा है तो बॉडी को डिटॉक्स तो करना ही पड़ेगा, तो इतने टॉक्सिन्स जा रहे हैं उनको निकालने के लिए अब एक जो मूल आधार जो बचा हुआ है वो देसी गौ माता बची है, तो उनके जो गव्य है उनकी गव्यों के अंदर जो औषधियाँ मिला के हम जो औषधियाँ बना रहे हैं अगर वो लेते हैं तो कई हद तक जो हमारे बॉडी के अंदर जहर गया है उसको डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी। डॉक्टर साहब आपने कहा बचपन से ही बच्चा पैदा हुआ, बचपन से ही टीके लगा दिया, दवाएं दी, बचपन से ही तैयार कर दिया, अभी अब उनका जो हमारा सिस्टम है दिल्ली के बाथरूम सिस्टम है, हवा का, पानी का, खाने पीने का, वो डायरेक्ट बचपन से ही अगर बॉडी में दे दिया जाए तो नेचुरल है कि बच्चा जब तक बड़ा होगा उसे वो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, नेचुरल चीज़ खत्म कर दी। तो वो चीज़ अगर आप कहो तो क्या गाँव में मिल रही है कि गाँव में भी ये सिचुएशन है? गाँव में भी ऐसा है कि कुछ हद तक ही बची है, क्योंकि गाँव में भी ना मॉडर्न की तरफ जा रहा है। अब क्या कर रहा है सरकारों ने या सब ने मिलकर क्या करा, आयुर्वेद को ही बदल दिया, आयुर्वेद को क्या करा मॉडर्न आयुर्वेद कर दिया। आयुर्वेद जो अपने आप में ऐसा था कि उसको प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं थी, वो तो अपने आप में इतनी अच्छी प्राकृतिक एक मूलभूत इतनी अच्छी औषधियाँ हुआ करती थी, उसके अंदर भी केमिकल्स मिला दिए, उसके अंदर भी ना ऐसी चीज़ें डाल दी, प्रिजर्वेटिव डाल दिए कि उन औषधियों को बचाने के लिए फिर केमिकल्स डाल दिए हैं। तो गाँव का भी आधार ऐसा हो गया कि लोग उसमें भी मॉडर्न बनने जा रहे हैं, पर हाँ कुछ हद तक है अभी भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ में ये मूलभूत चिकित्सा दी जाती है। बच्चा जन्म लेते ही जब माँ प्रसव प्रसव के घर इतना प्रसव का कक्ष बनाया जाता है घरों में, वो आज भी गाँव में है जहाँ पे बच्चा होते ही बच्चों को पंचगव्य दिया जाता है, जिसमें क्या होता है दूध, दही, गोमूत्र, गोबर और घृत का सेवन होता है, कुछ बूंदे उसको दी जाती है 21 दिन तक, उसका पूरा प्रोसीजर चलता है 21 दिन तक बच्चे को दी, उसके बाद बच्चे को कोई छोटी मोटी बीमारी ऐसी नहीं जिसके लिए उसको हॉस्पिटल दौड़ना पड़े, और उसका जो रहन सहन है उसी तरह से किया जाता है। देखिए अब सबको पता है कि पैक फूड नहीं खाना है, उसमें गंदगी ही मिली है, मैं तो पूरा गंदगी ही बोलूँगी कि मैदा है जो भी है सब कुछ गंदगी है, तो वो सबको पता है कि नहीं खानी, फिर भी बच्चों को देती है माएँ कि लोग कोई बात नहीं बच्चा नहीं अगर मान रहा है टेस्ट से किसी भी कारण से, तो ये सब चीज़ें हम खुद भी जानते हैं, खुद ही सब कुछ अपने जिंदगी को खुद ही खराब कर रहे हैं, अपना जीवन खुद ही खराब कर रहे हैं, तो कुछ बदलाव हमारे लिए ज़रूरी है, अब हमें ही करने पड़ेंगे। हाँ गाँव में है अभी भी है कई हद तक है बचा हुआ है, तो उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे कितना हो सके और बचाया जा सके और शहरों में भी ला सके।